अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में यूरिनरी सिस्टम ऑफ अ मैन को डिस्कस करेंगे। यूरिनरी जो सिस्टम है उसको रीनल सिस्टम भी कहते हैं, और ये क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करता है और टॉक्सिक सब्सटेंस को भी रिमूव करता है, होम्योस्टेसिस भी मेंटेन करता है, एक्सक्रीशन कराता है, पीएच भी मेंटेन करके रखता है। इसके अंदर क्या क्या आता है तो हम पहले जो बोर्ड पर लेक्चर मैंने लिखा पहले उसे डिस्कस करते हैं, उसके बाद बुक को भी रीड कर लेंगे। तो देखिए, यूरिनरी सिस्टम ऑफ अ मैन, इस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। किडनीज आती हैं जो कि बीन शेप स्ट्रक्चर की होती है और पेयर में पाई जाती हैं, यानी कि दो किडनीज होती हैं। और यूरेटर आता है, ये एक ट्यूब होती है लॉन्ग सी, जो किडनी से एक ट्यूब निकल के बाहर आ रही है, जिसके अंदर क्या होता है, यूरिन होता है। इस ट्यूब को कहते हैं यूरेटर, जो 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर का काम क्या है, यूरिन को स्टोर करके रखना, हाफ लीटर ऑफ यूरिन को वो होल्ड करके रखते हैं, उसके बाद यूरिन जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन जब यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है तो उसके लिए एक ओपनिंग होती है जिसको कहते हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा से यूरिन जो है एक्सक्रीट आउट होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यूरिटर और यूरिथ्रा में। यूरिटर जो है ये ट्यूब है लॉन्ग नैरो सी जो खुलती है ब्लैडर के अंदर, और ये आती कहाँ से, किडनी से निकलती है। यूरिटर एक ट्यूब है जो किडनी से निकलती है और आगे जाकर किस में खुलेगी, नीचे ब्लैडर में जाके खुल जाएगी। और यूरिथ्रा क्या होता है, वो एक ओपनिंग है किसकी है, यूरिनरी ब्लैडर की एक ओपनिंग है जहाँ से यूरिन जो है एक्सक्रीट आउट होता है। यूरिथ्रा जो है इसकी जो ओपनिंग है या वहाँ पर होते हैं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब है दरवाजे जो कि यूरिन को बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं होने देते। लेकिन इस स्फिंक्टर के भी दो पार्ट होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है यूरिथ्रा के पास, दूसरा होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। यानी कि दो दरवाजे होते हैं, एक अंदर की साइड होता है और एक बाहर की साइड होता है। जो इंटरनल होता है ना वो इनवॉलेंट्री होता है, जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो इनवॉलेंट्री है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इनवॉलेंट्री का मतलब है जो चीज़ हमारे कंट्रोल में ना हो। तो इंटरनल स्फिंक्टर जो है इनवॉलेंट्री है, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो वॉलेंट्री होता है, वो हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, बेबीज, उनके अंदर ये दोनों स्फिंक्टर जो है इनवॉलेंट्री ही होते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम ऑफ अ मैन के अंदर क्या क्या है, दो किडनीज हैं, ट्यूब है 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग जो कि यूरेटर है, उसके बाद ब्लैडर है, उसके बाद यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा के दो स्फिंक्टर हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। कौन सा है स्फिंक्टर जो हमारे कंट्रोल में है, वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की। इसका जो मेन कॉम्पोनेंट है यूरिन वाले सिस्टम का, वो किडनी ही है। तो पहले किडनी को देखते हैं। किडनी क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है अगर हम उसको अगर हम उसको एक एंगल से काटते हैं और उसका जो कटिंग पॉइंट है वो सेंटर से पास होता है तो उसके दो इक्वल हाफ हमें मिल जाएंगे। देखो, एक किडनी जो है इस तरह से मैंने काटी हुई है, इसी तरह से एक और किडनी यहाँ पर होगी। जब इस सिमेट्री इसके अंदर है तभी तो मुझे दो इसके इक्वल हाफ मिलने हैं। तो सिमेट्रिकल का मतलब होता है जब मैं किडनी को काटूंगी तो मुझे उसके दो इक्वल हाफ मिलेंगे। बीन शेप होती है और रेडिश ब्राउन कलर की होती है। लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ होती है, बेलो द रिब केज, रिब्स के बिल्कुल नीचे होती है। और ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये रिब्स है, ठीक है, ह्यूमन का ये रिब केज है, इसके ऊपर क्या होती है, रिब्स होती हैं। यहाँ पर जो है किडनी पाई जाती हैं यहाँ पर। और इन्होंने बोला है कि ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पर होती है। अगर अब मैं इसका बैक पोर्शन दिखाऊँ तो देखो, ये किडनी है और यहाँ से क्या जा रहा होगा, एक वर्टिब्रल कॉलम जा रहा होगा। इसके दोनों साइड पर क्या होती है, किडनी है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। तो जो किडनी होती है ना वो आगे पेट की साइड नहीं होती, पीछे बैक साइड पर होती है। कौन सी साइड होती है, डॉर्सम साइड ऑफ दी बॉडी पर किडनी होती है। अच्छा, इन्होंने कहा वर्टिब्रल कॉलम में किस जगह पर पाई जाती है। T12 का मतलब है थोरेसिक वर्टिब्री की 12 वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री है जो उसका 12 नंबर, और लंबर की 3rd वर्टिब्री तक जो है ये किडनीज जो है पाई जाती है। थोरेसिक से स्टार्ट होती है और लंबर तक ये किडनी जाती है, क्योंकि किडनी का जो साइज़ होता है ना वो 4 से 5 इंच तक लॉन्ग होता है, ह्यूमन के फिस्ट साइज़ यानी कि मुट्ठी के साइज़ के बराबर होती है। और जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होती है। राइट किडनी की इन्होंने बात की, क्या होती है, थोड़ी सी नीचे होती है, लेफ़्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। अच्छा, लेफ़्ट किडनी और राइट किडनी में फ़र्क क्यों आए कि राइट किडनी थोड़ी सी नीचे क्यों है। राइट किडनी इस वजह से थोड़ी सी नीचे है लेफ़्ट किडनी से, क्योंकि वो थोड़ी सी स्पेस देती है लिवर को एडजस्ट करने के लिए। लिवर का जो यहाँ पर लोब आता है, अगर हम एंटीरियर साइड की बात करें तो लोब जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, इस वजह से राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ़्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। लोकेशन में क्या आता है, रिब केज के नीचे होती है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पर होती है, इस साइड भी होंगी, इस साइड भी होंगी। कौन सी वर्टिब्री से स्टार्ट होती है, थोरेसिस से, और लंबर तक जाती है। अच्छा, वैसे वर्टिब्री का मैं बता देती हूँ, वर्टिब्री जो होती है ना नेक रीजन में, वो होती है सर्वाइकल। सर्वाइकल के बाद आ जाती है थोरेसिक वर्टिब्री,
थोरेसिक के बाद आती हैं लंबर, उसके बाद आती हैं सैक्रल और उसके बाद आ जाती हैं कॉक्सिक वर्टिब्री। ये पांच तरह की वर्टिब्री होती हैं। सर्वाइकल होती हैं 7, थोरेसिक होती हैं 12, लंबर होती हैं 5, ये भी 5 होती हैं और ये 4 होती हैं। उसके बाद ये सैक्रल 5 फ्यूज़ होकर एक बना देती हैं और कॉक्सिक भी 5-4 फ्यूज़ होकर एक बना देती हैं। तो इन्होंने कहा जो वर्टिब्री है ना वो थोरेसिक की 12 वर्टिब्री से लेकर लंबर की 3 तक जो है वो प्रेजेंट होती हैं। किडनी के ऊपर दो तरह की लेयर होती हैं। एक होती है रीनल फैसिया, ये टफ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो कि इस बाहर की साइड पर आउटर साइड पर होती है, और उसके अंदर जब हम जाएँ तो रीनल कैप्सूल की लेयर होती है जो कि एक फैटी लेयर होती है। अच्छा, किडनी के बारे में कह रहे हैं कि ये लेटरली कॉन्वेक्स होती है, यानी कि यूँ बाहर से ना अगर देखो ना ये उभरी हुई होती है लेटरल साइड पर। लेटरल साइड क्या होती है, जो मीडियल साइड से दूर हो, बॉडी के सेंटर से दूर हो, और मीडियली यानी कि अगर बॉडी के अगर हम सेंटर की तरफ जाते हैं तो मीडियली क्या होती है, कॉनकेव होती है, यानी कि यूँ अंदर की तरफ दबी हुई होती है। अगर हम देखें इसको, ये मीडियली क्या होती है, यूँ कॉनकेव होती है, इस तरह से बता रहे हैं, मीडियली कॉनकेव होती है। और जब ये मीडियल साइड पे इन्होंने कहा इसका क्या होता है, एक डिप्रेशन होता है जहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रीनल साइनस और दूसरा होता है हाइलम। अच्छा, पहले देख लेते हैं हाइलम। हाइलम एक इसी जगह को कहते हैं, ठीक है, ये जो जगह है इसको कहते हैं हाइलम। हाइलम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ब्लड वेजल एंटर होती हैं, ठीक है, ब्लड वेजल भी एंटर होती है, लिम्फेटिक वेजल भी एंटर होती है, नर्व्स भी एंटर होती है, और यूरिटर भी वहाँ से बाहर आ रहा होता है। ये देखो ये यूरिटर की ट्यूब है, एक जगह से बाहर आ रहा है, तो इस जगह को कहते हैं हाइलम। और इसी जगह पर ब्लड वेजल भी एंटर हो रही होंगी, तो रीनल आर्टरी अंदर जा रही होगी, ठीक है, रीनल आर्टरी इसी जगह पर अंदर जा रही होगी, और रीनल वीन जो होगी वो यहाँ से बाहर आ रही होगी, और क्या होगा, नर्व वेजल भी और लिम्फेटिक वेजल भी अंदर जा रही होंगी। तो मीडियल डिप्रेशन पर क्या होता है, इनका हाइलस होता है किडनी का, जहाँ पर ये चार चीज़ें होती है। उसके बाद बात करते हैं रीजन की। किडनी के दो रीजन होते हैं, आउटर पोर्शन जो है इसका वो कॉर्टेक्स है, डार्क रीजन होते हैं, यहाँ ये जो आउटर पोर्शन है ना इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और ये डार्क होता है। ये किससे सराउंड होता है, रीनल कैप्सूल से। देखो भाई, रीनल कैप्सूल की कवरिंग थी फैटी लेयर की, तो कॉर्टेक्स के रीजन में रीनल कैप्सूल की कवरिंग होती है जो कि क्या करती है, किडनी को शेप देती है। किडनी के जो बीन शेप स्ट्रक्चर में है ना, ये सिर्फ आउटर कॉर्टेक्स रीजन की वजह से है। और आउटर कॉर्टेक्स रीजन की वजह से क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रीनल कैप्सूल पाए जाते हैं, इस वजह से किडनी की शेप जो है इस तरह से है। बात करते हैं कॉर्टेक्स रीजन के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। इट कंटेन बोमेन कैप्सूल। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं बोमेन कैप्सूल क्या होता है, देख लेते हैं। किडनी का ना एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जिसको कहते हैं हम नेफ्रॉन। मेन काम जो है किडनी के अंदर क्या कर रहा होता है, नेफ्रॉन ही कर रहा होता है। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। अगर हम बात करें कि एक इंसान के अंदर कितने नेफ्रॉन होंगे, तो 2 मिलियन होंगे। तो एप्टीट्यूड में इस तरह से भी सवाल आते हैं, एक इंसान के अंदर कितने नेफ्रॉन होंगे, 2 मिलियन, क्योंकि 2 किडनी है और एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन का पार्ट होता है बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल PCT है जिसकी शॉर्ट फॉर्म, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और कुछ कैपिलरी का नेटवर्क भी होता है जो कॉर्टेक्स के रीजन में पाए जाते हैं। ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेफ्रॉन पढ़ाऊंगी कि ये पार्ट कौन कौन से होते हैं। उसके बाद बात करते हैं मेडुला की। मेडुला अंदर का पोर्शन होता है, इनर होता है और वो लाइटर होता है। लेकिन जो मेडुला का पोर्शन होता है ना, वो टुकड़ों में टूटा हुआ होता है पायरामिड्स की फॉर्म में, और किडनी के अंदर पायरामिड्स हैं, तो इस वजह से हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं रीनल का। किडनी का जो भी फंक्शन हो रहा होगा तो हम उसके लिए वर्ड रीनल का यूज़ करते हैं। अच्छा, और इसके अंदर रीनल कॉलम्स भी पाए जाते हैं। रीनल पायरामिड्स के बीच में ये स्पेस होती है, इसको क्या कहते हैं, रीनल कॉलम्स कहते हैं। अच्छा, मेडुला की बात करते हैं, इसके अंदर लूप नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट आता है, तो इसके अंदर नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले आता है, कलेक्टिंग डक आती है, और ब्लड वेजल में इसके पास वाजर एक्ट आती है। ये भी तब समझ में आएगा जब हम नेफ्रॉन पढ़ेंगे। ये किडनी है, किडनी का आउटर पोर्शन है कॉर्टेक्स। अच्छा, कॉर्टेक्स आउटर है, याद नहीं रहता, मेडुला इनर है, कैसे याद रखें, तो सी देखें कॉर्टेक्स, ओ का मतलब है आउटर, और सी के बाद डी आता है तो डार्कर पोर्शन भी है। कॉर्टेक्स आउटर भी है और डार्कर भी है, बाकी मेडुला इनर है, लाइटर है, और रीनल पायरामिड्स में टूटा हुआ है, इसके बीच में रीनल कॉलम्स भी आते हैं। रीनल कॉलम्स आते हैं, उसके बाद ये एक जगह यहाँ पर बनती है, माइनर कैलिक्स बनते हैं, छोटे छोटे होते हैं, पहले माइनर कैलिक्स बनते हैं, उसके बाद यहाँ में जुड़ के एक बड़ा सा कैलिक्स बना देते हैं, ये मेजर कैलिक्स कहलाता है। उसके बाद यहाँ से यूरिटर, यूरिटर से यूरिन एक्सक्रीट पास आउट होता है, किसके अंदर स्टोर हो जाता है, ब्लैडर के अंदर, उसके बाद यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। फंक्शन देख लेते हैं, किडनी क्या करता है, ब्लड को प्यूरीफाई करता है, क्लीन करता है। तो जो साफ जो ब्लड आता है ना, उसके पास गंदा खून आता है, तो ब्लड कौन लेकर आता है किडनी के पास, रीनल आर्टरी है,
रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड लेकर आएगी, किडनी को दे देगी। किडनी क्या करेगी, उसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करेगी, यूरिन के फॉर्म में डिस्चार्ज आउट कर देगी, और बाकी की जो चीज़ें होंगी वो सारी रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा से ब्लड वेसल के अंदर चली जाती है। एक और फंक्शन है इसका ऑस्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस करता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का भी। और एक लास्ट फंक्शन है एक्सक्रीशन, यानी कि यूरिन को एक्सक्रीट आउट करता है। टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो यूरिन के अंदर क्या वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यूरिया होता है, जो कि एक्सक्रीटिव वेस्ट प्रोडक्ट है ह्यूमंस का, मैमल्स का। अच्छा, ये फंक्शंस भी क्या हैं, ये नेफ्रॉन जब हम पढ़ेंगे मज़ीद डिटेल में समझ में आ जाएंगे। पहले भी मैंने बताया था कि ऑस्मो का वर्ड निकला ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। अब चीज़ें क्या है, हाई से लो की तरफ जा रही है, तो कौन सा प्रोसेस होता है, पैसिव होता है, जिसके अंदर एनर्जी खर्च नहीं होती। तो यहाँ पर भी यही है, ऑस्मो का वर्ड निकला ऑस्मोसिस से, और रेगुलेशन का क्या मतलब है, मेंटेन। तो मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। तो जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे ऑस्मोसिस के अंदर, उसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स आते हैं, वाटर का होता है और दूसरा सॉल्ट का होता है। तो सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर होता है, और जो सॉल्यूट है वो सॉल्ट होता है या शुगर वगैरह होता है, सॉल्ट या शुगर। तो मेंटेनेंस करके रखता है, किडनी का एक काम भी है। और तीसरा काम क्या है इसका, एक्सक्रीशन, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, अनवांटेड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, उसको क्या करता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। अच्छा, यहाँ पर वैसे जो मेन है किडनी का मेन काम, तो वैसे एक्सक्रीशन ही है। हम पढ़ रहे थे होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का मतलब था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट या स्टेडी स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ द स्टेडी स्टेट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, जो अंदर का टेम्परेचर है ना बॉडी का, उसको मेंटेन करके रखना। अब एक्सक्रीशन का कैसे रोल है, वो कैसे मेंटेन करके रखता है अंदर के एनवायरनमेंट को। देखो भाई, अंदर जो है हम कोई चीज़ें वगैरह जब हम खाते हैं, ग्लूकोज खाया हमने, कार्बोहाइड्रेट्स टेक किया, लिपिड खाया, प्रोटीन खाया, उसका क्या होगा, अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, कुछ चीज़ें क्या होंगी, बॉडी यूटिलाइज कर लेगी, बाकी क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट। अब उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एक्सक्रीट करना लाजमी है, वरना बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, बॉडी का एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, पीएच का लेवल बढ़ जाएगा, ऑस्मोसिस ख़राब हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारे मसले हो सकते हैं कि ब्लड भी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से रीनल डायलिसिस पर पेशेंट चले जाते हैं, वो एक खैर अलग कहानी है। तो एक देखो, मेटाबॉलिक जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालेगा, अनवांटेड प्रोडक्ट को भी बाहर निकाल देगा, जिससे क्या रहेगा, बॉडी का अंदर का टेम्परेचर, बॉडी का अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन रहता है। इस वजह से एक्सक्रीशन भी किस में आता है, होम्योस्टेसिस में। अब बात करते हैं किडनी के फंक्शंस की। किडनी के 7 फंक्शन है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, आ वेट बेड। तो ए से आता है एसिड, और बेस को किडनी जो है वो बैलेंस करके रखती है। एसिड कौन से आयन से बनता है भाई, H+ आयन से, और बेस किससे बनता है, बाइकार्बोनेट आयन से। तो इसको क्या करती है, बैलेंस करके रखती है, मेंटेन करके रखती है। तो जो एसिड आयन होता है ना, किडनी क्या करती है, उसको यूरिन के जरिए एक्सक्रीट आउट कर देती है। इस वजह से जो यूरिन है, यूरिन की जो पीएच होती है वो होती है 5, एसिडिक होती है, और ब्लड की जो पीएच है वो है 7.3। तो ब्लड क्या होता है, बेसिक। तो किडनी को पता है कि मैंने जो एसिडिक आयन है उसको एक्सक्रीट आउट करना है, उसको बॉडी के अंदर नहीं ठहराना है, वरना ब्लड जो है एसिडिक हो सकता है। अगर ब्लड एसिडिक हो जाए तो क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है। जिस स्किन कैंसर हो जाए तो क्या, कौन सी कंडीशन कहलाती है, कैप्सोइस सारकोमा, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन पर जो है ब्लूइश से स्पॉट आना शुरू हो जाते हैं। ये अक्सर एड्स की बीमारी में होता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि ह्यूमन इम्यून वायरस की वजह से होती है, HIV की वजह से। अच्छा, उसके बाद है वाटर को बैलेंस करके रखता है। किडनी को पता है कि भाई अब बॉडी को डिहाइड्रेशन हो गई है, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गई है, तो वाटर को वो रीअब्जॉर्ब करा देते हैं एक हार्मोन की वजह से, ADH। ये सारा ना नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, नेफ्रॉन में डिटेल से मजीद। इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करके रखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम है, क्लोरीन का आयन है, टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक प्रोडक्ट जो उनको रिमूव करता है। ब्लड प्रेशर को भी बैलेंस करता है। ब्लड प्रेशर को कैसे बैलेंस करेगा, सॉल्ट को अंदर बैलेंस करके रखता है। अच्छा, उसके बाद है एरिथ्रोपोइटिन को बनाता है। एरिथ्रोपोइटिन क्या है, एरिथ्रो का वर्ड निकला है एरिथ्रोसाइट, हम पढ़ते थे एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड ब्लड, और साइट का मतलब होता है सेल, तो एरिथ्रोसाइट, तो वहाँ से एरिथ्रो का वर्ड निकला है। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि किडनी बनाती है। किडनी वो हार्मोन रिलीज करती है, क्यों रिलीज करती है, कि रेड ब्लड सेल बनाने हैं। तो रेड ब्लड सेल को बनाने के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है वो किडनी से होता है, जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। उसके बाद है विटामिन डी को भी जो है किडनी एक्टिवेट कराती है। अच्छा, वैसे एक सवाल है कि विटामिन डी और कैल्शियम में क्या फ़र्क है,
बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। देखो हमारी बॉडी के अंदर ना विटामिन डी होती है, जो क्या करती है कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब कराती है। विटामिन डी होती है जो कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब कराती है और बोन्स के अंदर डिपॉजिट कराती है ताकि हमारी बोन्स हेल्दी रहें। तो ये विटामिन डी ही होती है। अगर कैल्शियम रीअब्सॉर्ब नहीं हो रही तो विटामिन डी की कमी होती है। इस वजह से विटामिन डी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और इसके सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं ताकि विटामिन डी की कमी पूरी हो, विटामिन डी अंदर बने और जिसकी वजह से क्या हो, कैल्शियम रीअब्सॉर्ब हो और वो बोन्स के अंदर जाए जिसकी वजह से हमारी बोन्स स्ट्रांग हो। तो जिन लोगों की बोन्स वीक होती है उनको विटामिन डी की कमी होती है तो विटामिन डी दी जाती है ताकि कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन हो। अच्छा, ये टॉपिक था यूरिनरी सिस्टम ऑफ अ मैन का। अब मैं बुक से भी बता देती हूँ बुक में क्या क्या है इसके बारे में। बुक में बताया गया यूरिनरी सिस्टम है, रीनल सिस्टम कहते हैं इसको, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है बॉडी से और ये सिर्फ टॉक्सिक प्रोडक्ट को रिमूव ही नहीं करता बल्कि बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस भी मेंटेन करके रखता है। कैसे मेंटेन करता है, एसिड बेस को बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर को भी और ब्लड की पीएच को भी। ये ऑर्गन क्या है यूरिनरी सिस्टम के साथ जो एसोसिएटेड है, वो है किडनी है, यूरिटर है। किडनी ये ऑर्गन है, यूरिटर यहाँ से एक ट्यूब निकली उसके बाद ये ब्लैडर आता है, उसके बाद ये छोटी सी ओपनिंग होती है यूरिथ्रा। ये जो रेड कलर की है ये क्या है, रीनल आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही किडनी को देती है। और ये जो ब्लू कलर की है ये क्या है, रीनल वीन है। ठीक है, रीनल वीन जो है यहाँ से ब्लड लेकर डीऑक्सीजनेटेड जो है वो यहाँ से लेकर जा रही है। अच्छा, किडनी जो है वो ब्लड प्यूरीफायर हैं, ब्लड को क्लीन करती हैं, पेयर शेप में होती हैं, बीन शेप स्ट्रक्चर हैं। एब्डोमिनल कैविटी यानी कि जहाँ पेट है हमारा वहाँ पर पाई जाती हैं उस कैविटी में, खाली जगह में। ब्लड एंटर करते हैं किडनी के अंदर किसके ज़रिए, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी के ज़रिए। ये नहीं भाई रीनल आर्टरी, इसके ज़रिए ब्लड जाता है किडनी के अंदर। बोथ किडनी फिल्टर एंड रिमूव द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड। दोनों किडनी क्या करेंगी, फिल्टर करेंगी और जितना भी ब्लड के अंदर वेस्ट सब्सटेंस है उसको रिमूव करेंगी और क्या बना देंगी, फिल्ट्रेट बना देंगी। और फिर उससे क्या होता है, आगे यूरिन बन जाता है। दैट फिल्ट्रेट अल्टीमेटली बिकम यूरिन। ठीक है, वो फिल्ट्रेट आगे जाकर क्या बन जाता है, यूरिन, जो यूरिटर के अंदर जाता है, यहाँ से तैरता, यहाँ से पास आउट होता हुआ जाता है। और क्या, 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है यूरिटर की, जो एंटीरियर यानी कि ऊपर की साइड किससे कनेक्ट है, किडनी से, और नीचे किसके साथ कनेक्ट है, ब्लैडर के साथ। तो अच्छा, इन्होंने और क्या लिखा है, किडनी बाय वाइड ओपनिंग कॉल्ड रीनल पेल्विस। अच्छा, यूरिटर जहाँ से आ रहा होता है ना उस जगह को रीनल पेल्विस भी कहते हैं। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, ये है इसका रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस ये जगह है, रीनल पेल्विस जहाँ पर जो है सारा यूरिन आके जमा होता है, उसके बाद वो यूरिटर में जाता है। तो किडनी के अंदर पहले यहाँ यूरिन बनता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाता है पहले, फिर पेल्विस के अंदर, फिर यूरिटर के अंदर। अच्छा, इसमें कुछ सवाल हैं जो कुछ बातें ऐसी हैं जो समझ नहीं आएंगी, तो इसमें नेफ्रॉन के अंदर मज़ीद डिटेल में समझ आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद है दे बिकम नैरो होती है और एक्सटेंड करती है किसके साथ, ब्लैडर के साथ आके पोस्टीरियरली कनेक्ट हो जाती है। यूरिटर क्या करता है, यूरिन को ब्लैडर के अंदर डाल देता है जहाँ पर यूरिन टेम्परेरी स्टोर होता है। ब्लैडर की वॉल जो है वो थिक होती है और मस्कुलर होती है, वो हाफ लीटर ऑफ यूरिन को स्टोर करके रख देती हैं और उसके बाद वो एक्सक्रीट हो जाता है एक ओपनिंग की मदद से जिसका नाम है यूरिथ्रा। उसके बाद बात करते हैं यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के पास दरवाजे होते हैं, वेल्व्स का मतलब है दरवाजे, जिनको क्या कहते हैं, स्फिंक्टर, जो फ्लो ऑफ यूरिन को कंट्रोल करते हैं। इंटरनल यूरिथ्रा स्फिंक्टर जो है वो इनवॉलेंट्री होते हैं यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, यूरिन का जो फ्लो होता है ब्लैडर से यूरिथ्रा में आता है तो वो फ़ौरन से आ जाते हैं। ये स्फिंक्टर जो है अंदर वाला हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जबकि एक्सटर्नल हमारे कंट्रोल में होता है। किडनी क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है, जब हम उनको काटेंगे और सेंटर से कट पॉइंट जाएगा तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। रेडिश ब्राउन कलर की होती है, रिब केज के नीचे होती है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पर पाई जाती है, थोरेसिक वर्टिब्री और थर्ड लंबर वर्टिब्री के दरमियानी होती हैं। किडनी क्या होती है, रेट्रोपेरिटोनियल होती है एब्डोमिनल कैविटी में। रेट्रोपेरिटोनियल का क्या मतलब है, पीछे की साइड होती है, पेरिटोनियम की, पेरिटोनियम होती है हमारी एब्डोमेन के ऊपर जो कवरिंग होती है ना उसको कहते हैं पेरिटोनियम। तो किडनी क्या होती है, पेरिटोनियम के साथ पीछे अटैच हुई भी होती है। ये 4 से 5 इंचेस लॉन्ग होती हैं, एक मुट्ठी के साइज़ की होती है। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है, क्योंकि राइट किडनी नीचे इसलिए होती है कि वो क्या करती है, लीवर को जो है वो स्पेस देती है, और लेफ्ट किडनी जो है थोड़ी सी बड़ी होती है और वो किसके क्लोज होती है, हार्ट के क्लोज होती है। ये किडनी का स्ट्रक्चर है, देखिए बाहर का जो पोर्शन है क्या है, कॉर्टेक्स है, उसके बाद ये मेड्यूला आ गया, तो इसको मेड्यूलर पिरामिड्स भी कहते हैं, इनर पिरामिड्स कहते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड्स भी कहते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर
उसके बाद ये रीनल कॉलम्स हैं पायरामिड्स के जो बीच में है, इनको रीनल कॉलम कहते हैं। और ये रीनल कैप्सूल है ये जो यहाँ कॉर्टेक्स के पास में होते हैं, जो कि इनर कवरिंग थी और इसके बाहर वाली कवरिंग रीनल फैसिया थी। अच्छा, उसके बाद ये पायरामिड्स हैं, रीनल पायरामिड्स का देखिए यहाँ टिप पॉइंट है छोटा सा, ये जो इस तरह से बना हुआ है, ये इस तरह से यूँ ये रीनल पायरामिड्स हैं। ये जो छोटा सा पॉइंट है ना, इसको कहते हैं रीनल पैपिला। यहाँ पर यूरिन आके जमा होता है। उसके बाद ये जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं माइनर कैलिक्स। ये बड़े होकर यहाँ पर बनाते हैं मेजर कैलिक्स। उसके बाद इसी जगह को पेल्विस कहा जाता है और इसी जगह को, इसी एंट्री वाले पॉइंट को हाइलम कहा जाता है, जहाँ से यूरेट्रा बाहर आ रहा होता है, रीनल आर्टरी अंदर जा रही होती है, रीनल वीन बाहर आ रही होती है और नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल भी अंदर जा रही होती है।